हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आज आपको सक्सेसिव प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहली बात तो ये कि सक्सेसिव प्रॉफिट होता क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने सेकेंड किसी दूसरे पर्सन को कोई सामान बेचा और वो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पर 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर सेकेंड पर्सन ने थर्ड को वही सामान बेचा, सेम सामान बेचा, फिर वो 10 या 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो ये जो दो लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं, इसको आप बोलते हो सक्सेसिव प्रॉफिट। अगर यही दो लगातार लॉस होंगे तो इसको बोलोगे आप सक्सेसिव लॉस। या हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट हो, एक बार लॉस हो। तो ये सक्सेसिव जो प्रॉफिट और लॉस होता है, इसी के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। आप कैसे इस क्वेश्चन को कम टाइम में शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करोगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। दो कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन करने हैं आपको। फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, व्हेन देयर आर टू सक्सेसिव प्रॉफिट्स ऑफ एक्स परसेंट एंड वाई परसेंट, देन द रिजल्टेंट प्रॉफिट परसेंट इज गिवन बाय और कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने एक सामान दूसरे पर्सन को सेल किया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, एक्स परसेंट प्रॉफिट पर सेल किया बेचा, फिर दूसरे पर्सन ने किसी तीसरे पर्सन को वाई परसेंट प्रॉफिट पर बेचा, तो ये एक सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है। पहले ने दूसरे को एक्स परसेंट प्रॉफिट पे दिया, दूसरे ने तीसरे को वाई परसेंट प्रॉफिट पे दिया, ठीक है। और आपको पता चला कि हाँ, तीसरे को ये चीज इतने रुपए में मिली हुई है। तो टोटल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो ये ट्रांजेक्शन हुआ है, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है, स्टार्टिंग में वो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट क्या थी और अब वो थर्ड पर्सन को किस कॉस्ट में रिसीव हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो दो आपके प्रॉफिट हुए हैं एक्स और वाई, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%, ये परसेंट आएगा। तो ये होता है कि ओवरऑल इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही सेकेंड है, इसमें दिया हुआ है व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट, पहले ने दूसरे को एक्स परसेंट प्रॉफिट पे दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को वाई परसेंट लॉस पे दिया, मतलब पहले प्रॉफिट हुआ है फिर लॉस हुआ है। तो रिजल्टेंट प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और जो भी हुआ है वो कितना हुआ है, उसको आप कैसे निकालोगे, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। और एक्चुअल में ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है, इसमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज हुई हैं। अगर आप ये देखो कि बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला ही है। अगर दो बार प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को आप हमेशा पॉजिटिव लो, तो इस फॉर्मूले में सारे साइन पॉजिटिव होंगे। अगर एक प्रॉफिट है, पहला पॉजिटिव है और दूसरा लॉस है, तो दूसरा क्या होगा, माइनस साइन के साथ आएगा, तो प्लस एक्स फिर माइनस वाई, तो ये आ गया, फिर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस जो आएंगे वो प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आपका प्रॉफिट है, ठीक है, तो आप उस वैल्यू को पॉजिटिव में लिखो, और अगर आपका लॉस है तो उस वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ लिखो और उसको इस फॉर्मूले में पुट करो, तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। अभी तो मैंने दो केस बताया। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर होता कि सक्सेसिव लॉस हो रहा है, पहले ने दूसरे को बेचा उसमें भी लॉस हुआ, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया उसमें भी लॉस हुआ, तो फाइनल लॉस कितना हुआ, तो उसके लिए आप क्या करते, जो फर्स्ट वैल्यू होती वो भी लॉस में माइनस के साथ आती, और दोबारा भी लॉस हुआ है तो वो भी माइनस के साथ आता, तो क्या आता, माइनस एक्स माइनस वाई, और फिर जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो होता है यहां पर एक्स माइनस माइनस एक्स पहला लॉस, फिर माइनस वाई दूसरा लॉस, फिर प्लस एक्स वाई बाई 100, क्योंकि दोनों माइनस है तो मल्टीप्लाई हो गया और प्लस आ गया। तो मेन बेस यही फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस रखो, लॉस हो रहा है तो माइनस में रखना है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए सेल्स अ गुड टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए एक सामान बी को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी उसी सामान को सी को 25% प्रॉफिट पर बेचता है। इफ सी पेस 225 रुपीज, अगर सी ओवरऑल 225 रुपए पे करता है, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो ए का ओरिजिनल प्राइस क्या था, ये पूछा गया है।
तो मैंने बताया था कि यहां पर सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट देन प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर सक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसके लिए ओवरऑल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला, ये मैं लिख लेती हूं। ओवर ऑल प्रॉफिट जो निकालना है आपको, उसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। और यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 20 है। y कितना है आपका, 25 है। ये वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 बाई 100। तो इसको आप कैंसिल करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आएगा यहां पर 50%। दैट मींस कि जो भी सामान a से c तक ट्रांसफर हुआ है उसमें ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हुआ है। ओके, आपको ए का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब आप एक बात समझ लो कि अगर किसी भी चीज की कीमत जो कॉस्ट प्राइस था उसको मैंने सीपी ले लिया, सीपी ये इसका ओरिजिनल प्राइस था। अगर किसी चीज की ओरिजिनल प्राइस में आप 50% बढ़ा दो, तो ये एक परसेंटेज का पार्ट है, तो वो अपनी ही वैल्यू का कितना परसेंट हो जाएगा? अगर आप किसी भी चीज में 50% बढ़ाओगे तो आप समझ लो कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हो। 100% तो कोई भी चीज की ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब उसमें आप 50 बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो ये अपने का कितने परसेंट होगा, ये हो जाएगा खुद का 150%, ठीक है। किसी भी चीज में आप अगर कितने भी परसेंट बढ़ा रहे हो तो आप उसको फाइनल जो वैल्यू आती है उसको कैसे डिनोट करोगे, ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 प्लस जितना आपने बढ़ाया है, तो 50% ओवरऑल बढ़ रहा है ए के प्राइस में, ठीक है। तो सीपी 100 प्लस 50%, मतलब कि ये जो है सीपी का 150% होने के बाद जब ये ओवरऑल आ रहा है तो कितना आ रहा है फाइनल, 225 आ रहा है, 225 रुपीज, ठीक है। तो सीपी अब इसको आप कैलकुलेट करोगे इंटू 150/100 इज इक्वल टू 225 रुपीज। इससे आप सीपी कैलकुलेट कर लो तो आपका सीपी आ जाएगा 150 रुपीज, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां पर 150 रुपीज आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। परसेंटेज की छोटी सा पार्ट है कि अगर आप उसमें कितना भी परसेंट बढ़ाओगे तो आपको 100 प्लस जो परसेंटेज बढ़ा है वो आप लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो उसकी ओरिजिनल प्राइस से, तो फाइनल आ जाता है, ठीक है। उसी को आपको इक्विवेलेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो इसमें मैं लाइन बाय लाइन वैल्यूज लिखती जा रही हूं कि एक्स में क्या हुआ है। पहली बात तो आपको ये देखना है कि क्या हुआ, क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कितना है, 30% है। एंड बी सेल्स इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। तो वाई क्या हो जाएगा इसमें, एक तो लॉस है तो नेगेटिव होगा 20%। इफ सी पेज 520 रुपीज, तो फाइनल जो वैल्यू आ रही है वो 520 है। फॉर इट एट वॉट प्राइस डिड ए बाई, मतलब कितने प्राइस पे ए को खरीदा गया, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था यह पूछा गया है। सबसे पहले आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ है, आपको नहीं पता है अभी कि क्या हुआ है इसमें, जो परसेंटेज आएगा वो पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव होगा तो लॉस होगा, तो ये वैल्यू बताएगी क्या होगा। बस आपको फॉर्मूला पुट करना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। एक्स की वैल्यू 30 है, माइनस 20 प्लस 30 इंटू माइनस 20 बाई 100, ओके। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर आ जाएगा आपका 10 माइनस 6, तो ओवरऑल आपका आ रहा है 4%, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, दैट मींस कि 4% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 4% प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस में उसकी वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। 100 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको ऐड कर दो प्लस 4%, ये होती है फाइनल वैल्यू जो आपकी, जिसमें फाइनल सी को बेचा गया है। तो ये क्या है, 520 दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपी इंटू 104 बाई 100 इज इक्वल टू 520 है, ओके।
इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सीपी आ जाएगा आपका 500 रुपीज। ओके ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड एट लास्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।